सबका मिश्रा, आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम पेन पेंसिल पाउच स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पेन पेंसिल पाउच स्टिच किया है। ये देखिए, ये फ्रंट साइड से है और ये बैक साइड से है। ये पाउच काफ़ी खूबसूरत स्टिच हुआ है। इसको हम देखिए यहाँ से ओपन करेंगे और इस साइड अपने स्टेशनरी के सामान को आप सेट करते हुए इसमें रख सकती हैं। इसको हम लॉक कर देंगे और दूसरी पॉकेट को हम ओपन करेंगे। इसमें भी अपने स्टेशनरी के सामान को सेट करते हुए आप रख सकती हैं। इसको भी हम जिप से लॉक कर देंगे और दूसरी पॉकेट को हम ओपन करेंगे और इसमें भी देखिए अपने सामान को आप सेट करते हुए रख सकती हैं। देखिए, अंदर का पार्ट काफ़ी नीटली स्टिच हुआ है। यहाँ पर भी अपने सामान को सेट करते हुए जिप से इसको लॉक कर दीजिए और इस हैंडल से हम देखिए इसको ऐसे कैरी करेंगे। ये बैग काफ़ी यूज़फुल है और देखने में बहुत क्यूट लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई भी हैंड बैग, ट्रेवल बैग या कोई भी बैग पसंद आ रहा हो तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके उस बैग को परचेज कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा क्यूट सा पाउच पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज हम ये क्यूट सा पेन पेंसिल पाउच स्टिच करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क। तो फ्रेंड्स, पेन पेंसिल पाउच बनाने के लिए हमें 4.5 बाय 8.5 का, हमें ये देखिए टू मेन फैब्रिक्स लेना है। 4.5 बाय 8.5 का हमें टू मेन फैब्रिक्स लेना है और 4.5 बाय 8.5 का ये हमने एक कुल्टेड पीस लिया है। और इस कुल्टेड पीस में हमने देखिए सेंटर में फोम को दोनों साइड से लाइनिंग के फैब्रिक को रखते हुए साइड से स्टिच करके रेडी किया है। तो 4.5 बाय 8.5 का हमें एक कुल्टेड पीस लेना है और 4.5 बाय 8.5 का हमें टू प्लेन पीस लेना है। 4.5 बाय 8.5 का हमें टू प्लेन पीस लेना है और ये हमने 2.5 बाय 13 का एक मेन फैब्रिक लिया है। 2.5 बाय 13 का हमें एक मेन फैब्रिक लेना है और ये हमने 2 बाय 1 मेन फैब्रिक लिया है। 2 बाय 1 मेन फैब्रिक लेना है और ये हमने 3.5 बाय 8.5 का एक मेन फैब्रिक लिया है। 3.5 बाय 8.5 का हमें एक मेन फैब्रिक लेना है और ये हमने देखिए टू मेन फैब्रिक्स लिया है। हमने टू मेन फैब्रिक्स लिया है और टू हमने ये प्लेन पीस लिया है और 1.5 इंच की ये हमने थोड़ी पाइपिंग ली है और ये हमने 6.5 इंच की एक जिप ली है और इसमें हमने 1.5 इंच के दोनों साइड से फैब्रिक को लेते हुए यहाँ से जिप को देखिए दोनों साइड से लॉक कर दिया है। तो हमें 6.5 की एक जिप लेनी है और इसमें दोनों साइड से फैब्रिक को स्टिच करके जिप को लॉक करना है और ये हमने 2 जिप ली है। हमें 2 जिप लेनी है और इसमें हमने देखिए रनर डाल लिया है और एक हमको ये रिंग लेनी है। एक हमें ये रिंग लेनी है। सबसे पहले हम 3.5 बाय 8.5 का ये मेन फैब्रिक लेंगे और ये 6.5 इंच की जिप लेंगे और इस जिप में हमने देखिए 1.5 इंच के फैब्रिक को लेते हुए दोनों साइड से यहाँ पर स्टिच करके जिप को लॉक कर दिया है। अब इस जिप को हम देखिए ऐसे रखेंगे, दोनों राइट साइड अंदर की साइड में होगा। इस जिप को हम ऐसे रखते हुए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे। इसके बाद बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। जिप को हमने देखिए इसमें स्टिच करके अटैच कर दिया है और इसमें हमने दाब सिलाई दे दी है और अब हमें 4.5 बाय 8.5 का ये मेन फैब्रिक लेना है और इसमें देखिए फ्रेंड्स, हाफ इंच पे मार्क करके चारों कॉर्नर्स में हमने देखिए हल्का सा शेप दे दिया है। हाफ इंच में मार्क करना है और चारों कॉर्नर्स को हमें शेप में कट करना है। अब देखिए, इसमें हम 8.5 की साइड में 1.5 इंच पे नीचे की साइड में डाउन कर लेंगे। 1.5 इंच नीचे की साइड में हमने डाउन कर लिया है। अब हम इस वाले पार्ट को लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे, ये जिप वाला पार्ट और ये राइट साइड दोनों एक साइड में होगा। इसको हम ऊपर की साइड में ऐसे रखेंगे और मार्क वाली लाइन पे इस पार्ट को ऐसे रखते हुए सीधे स्टिच करके इसमें हम इसको अटैच कर देंगे। मार्क वाली लाइन पे हमने इस साइड सीधे स्टिच करके जिप वाले पार्ट को अटैच कर दिया है। अब देखिए, इस वाले पार्ट को हम ऐसे सीधी साइड करेंगे और हाफ इंच हम थोड़ा सा इस पार्ट को ऊपर की साइड में ऐसे करते हुए ऐसे सेट करेंगे और एक पिन लगा लेंगे। ये हमने पिनअप किया और ऐसे ही इसकी दूसरी साइड में भी हाफ इंच हमें ऊपर की साइड में थोड़ा सा ऐसे सेट करना है और पिनअप करना है।
पिन से हमने देखिए इस पार्ट को सेट कर दिया है। देखिए हमें ऐसे ऊपर की साइड में थोड़ा सा जिप को ऊपर की साइड में करना है और ऐसे हमें सेट करना है जिप वाले पार्ट को। और अब हम यहाँ से ऐसे स्टिच करके इस वाले पार्ट को इसमें अटैच कर देंगे। जिप वाले पार्ट को हमने देखिए स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। अब हम बैक साइड में आएंगे और इस वाले पार्ट में हमने देखिए चारों कॉर्नर्स पे शेप में कट किया था, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है दोनों साइड से इसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए दोनों साइड से कट कर लिया है और अब हमारी ये पॉकेट यहाँ पर बन के रेडी हो गई है। ये देखिए इसको हम यहाँ से ऐसे लॉक कर देंगे। और अब हमें 1.5 बाय ये हमें दोनों मेन फैब्रिक्स लेना है, ये प्लेन पीस लेना है और ये हमें दोनों जिप लेनी है। और अब देखिए इसमें से हम एक पार्ट को लेंगे, ये हमने लिया, और एक जिप को लेंगे और इस जिप को हम देखिए ऐसे रखेंगे, दोनों राइट साइड अंदर की साइड में होगा और ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को हम जिप के ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे ही इसकी दूसरी साइड में आएंगे और इस वाले पार्ट को देखिए जिप वाले पार्ट को दूसरी साइड में ऐसे सेट करते हुए प्लेन पीस को लेते हुए स्टिच करके हम इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे ही हमें इस वाले पार्ट को भी स्टिच करके रेडी करना है। दोनों पार्ट्स में हमने देखिए जिप और प्लेन पीस को लेते हुए यहाँ से स्टिच करके दोनों साइड से अटैच कर दिया है। अब हम देखिए प्लेन पीस को मेन फैब्रिक को बैक साइड में ऐसे सेट कर लेंगे। ये बैक साइड में हमने देखिए प्लेन पीस को सेट कर लिया है। अब हम फ्रंट साइड में आएंगे और यहाँ पर दाब सिलाई देते हुए स्टिच करेंगे और ऐसे दोनों साइड से स्टिच करके इस प्लेन पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे ही इस वाले पार्ट को भी हमें स्टिच करके रेडी करना है। दाब सिलाई देते हुए हमने देखिए दोनों साइड से सीधे स्टिच करते हुए प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर लिया है और अब हम देखिए ये जो दोनों स्टिच लाइन है इसको ऐसे मिलाएंगे। ऐसे में दोनों स्टिच लाइन को मिलाना है और इस साइड यहाँ पर दोनों साइड से हल्का सा कट लगा के सेंटर का मार्क करना है। इस साइड हमने सेंटर का कट लगा लिया है और ऐसे ही इस साइड भी हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो हम दोनों स्टिच लाइन को पहले मिलाएंगे और इस साइड आएंगे। देखिए दोनों स्टिच लाइन को मिलाते हुए इस साइड भी हम दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लेंगे। इस साइड भी हमने दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लिया है और ऐसे ही इस पार्ट में भी हम दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लेंगे। इस पार्ट में भी हमने दोनों साइड से सेंटर का कट लगा लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम ऐसे करेंगे, ये जो दोनों कट्स लगाए हैं इस साइड से और इस साइड में, दोनों कट्स को देखिए ऐसे मिलाना है। दोनों कट्स को ऐसे मिलाते हुए हम यहाँ पर ऐसे प्रेस कर लेंगे दोनों कॉर्नर्स में, और इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से हमें हल्का सा कट लगा के इस साइड भी मार्क करना है। इस साइड भी हमने दोनों साइड से कट लगा के मार्क कर लिया है और ऐसे ही इस वाले पार्ट में भी हमें ऐसे सेट करना है। पहले दोनों कट्स को देखिए ऐसे सेट करेंगे और दोनों साइड से मार्क कर लेंगे। इस साइड भी हमने दोनों साइड से कट लगा लिया है और अब हमें 2 बाय 2.5 का ये मेन फैब्रिक लेना है और इसको हम देखिए सेंटर से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। अब इसको हम ओपन करेंगे, इस साइड देखिए सेंटर का मार्क हो गया है। अब इस साइड से थोड़ा सा फैब्रिक को हम अंदर की साइड में सेंटर के मार्क पे ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर प्रेस करेंगे और ऐसे ही दूसरी साइड में सेंटर पे ऐसे रखते हुए यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। अब इसको हम एक बार और ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये हमने फोल्ड किया। अब दोनों साइड से देखिए सीधे स्टिच करके इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे। दोनों साइड से स्टिच करके हमने देखिए इसको रेडी कर लिया है और अब हम ये रिंग लेंगे। रिंग को हम देखिए इसमें ऐसे सेट कर लेंगे, ये हमने सेट किया। अब हम जिप वाला पार्ट लेंगे और जिप वाले पार्ट में हम देखिए जिस साइड ये जिप अटैच है यहाँ पर हम इसको ऐसे रखेंगे और इस साइड स्टिच करके इसमें हम इसको अटैच कर देंगे। इस स्ट्रैप को हमने देखिए इस साइड स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है और अब हमें 4.5 बाय 8.5 का ये वाला पार्ट लेना है जिसमें हमने इस पॉकेट को स्टिच किया था। अब इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे हमें बराबर में फोल्ड करना है और इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से हमें सेंटर का मार्क लगाना है। दोनों साइड से हमने देखिए सेंटर का कट लगा लिया है। अब इस पार्ट को हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, इस साइड से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर दोनों साइड से हम कट लगा लेंगे।
इस साइड भी हमने दोनों साइड से कट लगा लिया है। अब हम जिप वाला पार्ट लेंगे और जिस साइड हमने ये पॉकेट अटैच की है उस साइड ये जिप वाला पार्ट होगा। इसको हम देखिए सेंटर के कट से मिलाते हुए यहाँ पर सेट करेंगे और पिन लगा लेंगे। ये हमने पिन अप किया और ऐसे इसकी दूसरी साइड में सेंटर के कट से मिलाते हुए यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे और इस साइड आएंगे और इस साइड हमने जो कट लगाया था यहाँ पर इस कट को ऐसे मिलाते हुए ऐसे हम मिलाएंगे इस कट को और इस साइड भी हम पिन लगा लेंगे और ऐसे इस साइड आएंगे और इस साइड भी हम दोनों कट्स को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स जिप वाले पार्ट को हम देखिए सेट करते हुए ऐसे हम सेट करेंगे अंदर की साइड में और राउंड में स्टिच करके इसमें हम इसको अटैच कर देंगे। राउंड में स्टिच करके हमने जिप वाले पार्ट को देखिए इसमें अटैच कर दिया है और अब हमें 4.5 बाय 8.5 का ये प्लेन पीस लेना है और इसमें हमने देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से हमने सेंटर का कट लगा लिया है। अब इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे, राइट साइड दोनों अंदर की साइड में होगा और ये जो सेंटर का मार्क है सेंटर के मार्क को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे और ऐसे इस साइड आएंगे और इस साइड भी हम सेंटर के कट को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे और इसको भी हम इस साइड से ऐसे सेट करेंगे और पिन लगा लेंगे। पिन से हमने देखिए इसको सेट कर दिया है। अब देखिए जिस साइड से हमने ये वाले पार्ट को अटैच किया है जिप वाला पार्ट हमारा देखिए ऊपर की साइड में होगा और इस साइड से हम यहाँ पर ऐसे 4 इंच का गैप छोड़ देंगे। 4 इंच का गैप छोड़ते हुए हम राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। गैप छोड़ते हुए हमने राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड जो चारों कॉर्नर्स हैं कॉर्नर्स में हम कट लगा लेंगे। चारों कॉर्नर्स में हमने कट लगा लिया है। अब देखिए जो ओपन पार्ट है इस साइड से हम इसको पलट के सीधी साइड कर लेंगे। प्लेन पीस को पलट के हमने बैक साइड में कर लिया है। अब देखिए जो ओपन पार्ट है इसको हम देखिए जो प्लेन पीस है अंदर की साइड में थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, इस साइड से देखिए थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और ये जो स्टिच लाइन है स्टिच लाइन पे हम ऐसे रखेंगे और इस साइड हम सीधे स्टिच करके इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। सीधे स्टिच करके हमने ओपन पार्ट को लॉक कर दिया है। अब देखिए जो स्टिच लाइन थी ये हमारी प्लेन पीस के साथ अंदर की साइड में कवर हो गई है और अंदर का पार्ट नीटली बन के रेडी हो गया है। इसको हम ऐसे सीधी साइड कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड जैसे हमने इस जिप वाले पार्ट को इस वाले पार्ट में स्टिच करके अटैच किया है ऐसे ही इस जिप वाले पार्ट को हम दूसरे पार्ट में 4.5 बाय 8.5 का ये जो दूसरा पार्ट है इसमें स्टिच करके हम अटैच करेंगे और इसके बाद प्लेन पीस को लेते हुए स्टिच लाइन को हम इससे कवर कर देंगे। तो हम इस पार्ट को सेट करते हुए इसमें हम स्टिच करके अटैच कर देंगे। इस पार्ट को भी हमने देखिए स्टिच करके रेडी कर लिया है। जैसे हमने इसको स्टिच किया था फ्रेंड्स वैसे ही हमने इसको स्टिच करके रेडी कर लिया है और अब हमें 4.5 बाय 8.5 का ये क्विल्टेड पीस लेना है। इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से इसमें सेंटर का कट लगा लेंगे। इस साइड हमने सेंटर का कट लगा लिया है। अब ऐसे ही इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इस साइड से दोनों साइड से इसमें सेंटर का कट लगा लेंगे। इस साइड भी हमने सेंटर का कट लगा लिया है। फ्रेंड्स इस क्विल्टेड पीस को हमने देखिए दोनों साइड से लाइनिंग के फैब्रिक को लेते हुए स्टिच करके साइड से स्टिच करके रेडी किया है और अब हम इस पार्ट को लेंगे और इसको ऐसे रखेंगे। इस क्विल्टेड पीस के ऊपर हम ये जो सेंटर का मार्क है दोनों मार्क को ऐसे मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे और ऐसे इस साइड आएंगे और इस साइड भी देखिए जो कट लगाया है उसको सेंटर के कट से मिलाते हुए दोनों कट्स को पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए इसको सेट कर दिया है। अब देखिए इस क्विल्टेड पीस को हम राउंड में स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। ठीक है, इसको हम राउंड में स्टिच कर लेंगे और इसमें हम इसको अटैच कर देंगे।
राउ में स्टिच करके हमने इस कुल्टेड पीस को देखिए इसमें अटैच कर दिया है। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे, दोनों राइट साइड अंदर की साइड में होगा और इन दोनों पार्ट्स को हम देखिए सेंटर के कट से मिलाते हुए यहाँ पर सेट करेंगे और पिन लगा लेंगे। ये हमने पिन अप किया और इसको हम देखिए ये वाला पार्ट अंदर की साइड में कर लेंगे और इस साइड आएंगे और इस साइड भी दोनों कट्स को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट कर दिया है। अब इसको भी हम राउंड में स्टिच कर लेंगे और इसमें हम इसको अटैच कर देंगे। राउंड में स्टिच करते हुए हमने देखिए दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है। अब जो ये स्टिच लाइन है इसे हमें पाइपिंग से कवर करना है, तो ये हम पाइपिंग लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और इस साइड यहाँ पर ऐसे रखेंगे और राउंड में स्टिच कर लेंगे और स्टिच लाइन को हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। राउंड में स्टिच करके हमने स्टिच लाइन को देखिए पाइपिंग से कवर कर दिया है। अब देखिए अंदर का पार्ट नीटली बन के रेडी हो गया है। अब हम जिप को ओपन करेंगे और इसको पलट के सीधी साइड कर लेंगे। इसको पलट के हमने देखिए सीधी साइड कर लिया है और अब हमें 2.5x13 का ये हमें मेन फैब्रिक लेना है और इसको हम देखिए सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे हमें फोल्ड करना है और इस साइड ऐसे प्रेस करना है, इसे सेंटर से हम देखिए फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे। ये देखिए सेंटर से हमने फोल्ड करते हुए प्रेस कर लिया है। अब जो हमने यहाँ पर रिंग डाली थी देखिए इसको हम देखिए ऐसे फैब्रिक को ऐसे अंदर की साइड में करेंगे और अब देखिए इन दोनों पार्ट्स को ऐसे रखेंगे, दोनों राइट साइड देखिए अंदर की साइड में होगा और दोनों पार्ट्स को लेते हुए इस साइड स्टिच करके हम इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। इस साइड हमने देखिए सीधे स्टिच करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है। अब इसको हम सीधी साइड कर लेंगे, तो ऐसे करेंगे और यहाँ पर देखिए अब सेंटर पे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे में फोल्ड करना है, इस साइड हमने देखिए सेंटर से इसको फोल्ड किया। अब देखिए इस साइड का हम थोड़ा सा पार्ट सेंटर वाले मार्क पे ऐसे रखेंगे। ये हमने ऐसे सेट किया और ऐसे ही दूसरी साइड के पार्ट को ऐसे सेंटर में सेट करेंगे और दोनों साइड से पहले हम प्रेस कर लेंगे। अब इस पार्ट को देखिए एक बार और ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ऐसे हम देखिए सेट करते हुए राउंड में स्टिच कर लेंगे और इस वाले पार्ट को हम रेडी कर लेंगे। ये जो हैंडल है इसको हमें रेडी करना है। एक बार हम इस साइड से फोल्ड करेंगे और एक बार हम दूसरी साइड से यहाँ पर फोल्ड करेंगे। इसके बाद दोनों को ऐसे करते हुए ऐसे हम सेट करेंगे और राउंड में स्टिच करके इसको रेडी कर लेंगे। इसको हमने देखिए डबल फोल्ड करते हुए दोनों साइड से राउंड में स्टिच करके रेडी कर लिया है। ये हमारा हैंडल बन के रेडी हो गया है। अब जो ये स्टिच लाइन थी जब दोनों पार्ट्स को हमने अटैच किया था इसकी ये जो स्टिच लाइन है, स्टिच लाइन को हम देखिए यहाँ पर रिंग के पास ऐसे सेट करेंगे। स्टिच लाइन को हम देखिए रिंग के पास रखेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम डबल स्टिच करके इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। डबल स्टिच करते हुए साइड से हमने लॉक कर दिया है और ये हैंडल हमारा इस साइड से यहाँ पर बनके रेडी हो गया है और ये पाउच भी हमारा बनके रेडी हो गया है। इसको हम देखिए यहाँ से ओपन करेंगे तो एक पॉकेट हमारी इस साइड से है और एक पॉकेट हमारी इस साइड से है। इसको हम लॉक करेंगे और दूसरी पॉकेट को ओपन करेंगे, एक पॉकेट हमारी इस साइड से है। इसमें अपने पेन पेंसिल स्टेशनरी के सारे सामान को इसमें सेट करते हुए रख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा पेंसिल पाउच पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।